तो इस वीडियो में हम जेट एयरवेज का द राइज एंड फॉल स्टोरी कवर करेंगे और जेट एयरवेज विच मेड अ ऑल टाइम हाई इन 2005 ऑफ 1400 वहां से ये शेयर आज के दिन 80% डाउन ट्रेड कर रहा है एट अ प्राइस रेंज ऑफ 270 एज ऑफ 2019। तो इस वीडियो में हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और ये देखेंगे हम कि हमें पहले से क्या ये पता हो सकता था कि कुछ ऐसा होने वाला है यूजिंग अ फ्यू फंडामेंटल मेट्रिक्स। तो ये वीडियो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल की लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाएं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द जेट एयरवेज टाइमलाइन कि आज तक जेट एयरवेज का जो ऑपरेशन का स्ट्रक्चर था वो कैसा रहा फ्रॉम 1993 टू 2018। तो 1993 वाज द टाइम व्हेन जेट एयरवेज वाज लॉन्च्ड और ये जो 1993 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है हमारे इंडियन एयर स्पेस टाइमलाइन में क्योंकि पी वी नरसिम्हा राव ओपन्ड स्काइज टू द प्राइवेट एयर ऑपरेटर्स इन दिस ईयर। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हिस्ट्री में क्योंकि इससे पहले तक हमारे जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड एयरलाइंस है जैसे कि एयर इंडिया सिर्फ यही ऑपरेशनल थे इन इंडिया और उसके बाद जब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट पीवी नरसिम्हा राव ओपन द स्काईज टू द प्राइवेट एयर ऑपरेटर्स उसके बाद से बहुत सारे कंपनीज ने वेंचर किए इंडियन मार्केट्स में जैसे कि जेट एयरवेज फिर एयर सहारा और बहुत सारे अलग कंपनीज भी थे जो इस पीरियड में वेंचर इन किए टू द इंडियन मार्केट। फिर 2005 में जब जेट एयरवेज का लिस्टिंग हुआ इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तब जेट एयरवेज वॉज अ डोमिनेंट प्लेयर इन द प्राइवेट एयर स्पेस और उसका एक ही कंपेरेटर था जो बहुत ही तगड़ा था, इट वॉज एयर सहारा। आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ सहारा एयरलाइंस। तो उस टाइम फ्रेम में यानी 2015 तक एयर सहारा वॉज अ बिग कंपेरेटर टू जेट एयरवेज और फिर 2007 में जेट एयरवेज अक्वायर्ड एयर सहारा फॉर अ प्राइस ऑफ 340 मिलियन जो कि एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था जेट एयरवेज के लिए क्योंकि वो अपने कंपेटिटर को अक्वायर कर लिए एंड विद द एक्विजिशन ऑफ एयर सहारा जेट एयरवेज बिकेम द लार्जेस्ट एयर ऑपरेटर इन इंडिया और उसका 30% मार्केट शेयर हो गया इन द डोमेस्टिक एयर स्पेस। उसके बाद 2013 में जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया फॉरन इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन एयर स्पेस तब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो चेयरमैन था जेट एयरवेज का ही वॉज नरेश गोयल एंड ही सजेस्टेड दैट इतिहाद एयरलाइंस जो कि एक सऊदी अरेबियन कंपनी है वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन कंपनीज इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट 380 मिलियन इन द कंपनी फॉर फर्दर ग्रोथ और इतिहाद एयरलाइंस इन्वेस्टेड 380 मिलियन और उसके बाद से एक थोड़ा सा रिवाइवल हमें देखने को मिला इस कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में। और फिर पोस्ट 2013 से 2018 का जो पीरियड्स है इस बीच में इस कंपनी का जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे हमें कुछ ख़राब देखने को मिला जैसे कि इस कंपनी का जो रिजर्व्स है वो घटने लगा, नेगेटिव हो गया। फिर इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स है वो नेगेटिव होते गया। तो 2013 के बाद यानी जब से इतिहाद ने इन्वेस्ट किया है जेट एयरवेज में वो एक रीज़न हो सकता है या सहारा ग्रुप को अक्वायर करने के बाद भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स एक ट्रिगर लाया है इस कंपनी के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में और 2013-14 से लेकर 2018-19 तक इस कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो एक डिक्लाइन में चला गया और इस कंपनी का जो क्राइसिस है वो 2018 से बिगिन हुआ है और 2019 तक चल रहा है। तो द क्राइसिस जो पहले हमें देखने को मिला जो 2019 में आया था वो है कि जेट एयरवेज फेल्स टू पे द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। ये 2018 से ही शुरू हो गया था। उसके बाद इस कंपनी का जो लॉस है वो ईयर टू डेट यानी अगर आप TTM फेस को फॉलो करोगे तो इट इज़ मोर देन 3,200 crores। तो ये भी एक बहुत ही नेगेटिव साइन है इस कंपनी का ओवरऑल ऑपरेशन स्ट्रक्चर में। फिर हमें ये पता चला कि जो बैंक्स है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लेंडर है इस कंपनी का दे आर प्लानिंग टू चिप इन टू सेव जेट एयरवेज ताकि ये कितने पुराने यू नो एयर एविएशन कंपनी को कैसे वो सर्वाइव कर पाए। देन देर वॉज ऑल्सो टॉक्स कि टाटा सन्स का जो ग्रुप है दे ऑल्सो वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन जेट एयरवेज पर ऐसा हुआ नहीं विच ऑल्सो लेट टू फर्दर डाउनफॉल ऑफ द स्टॉक। फिर इतिहाद का जो डिमांड था वो है कि नरेश गोयल टू स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड
और रिसेंटली हमें ये देखने को मिला कि द गोयल फैमिली यानी नरेश गोयल एंड हिज वाइफ रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड. तो ये जो पूरा टर्मोइल का फेज है वो 2013-14 से ही बिगिन हो गया था, पर 2018-19 पीरियड्स में ये पूरे लाइमलाइट में आया एंड दिस क्रिएटेड अ मैसिव डाउनफॉल इन द स्टॉक्स प्राइस. तो अब हम देखेंगे कि क्या हम इसे पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि कुछ ऐसा आ रहा है इस कंपनी के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में, और क्यों हमें ये स्टॉक पहले से ही अवॉइड करना चाहिए था बेस्ड ऑन द फंडामेंटल फैक्टर्स. तो कैसे हम जेट एयरवेज का जो डाउनफॉल है वो पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे, वो हमें पूरे बैलेंस शीट से पता चलेगा. और सिर्फ तीन एलिमेंट देखने से ही हमें पता चल जाता है कि इस कंपनी का जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर था वो किस डायरेक्शन में जा रहा था. तो अगर इस कंपनी का अगर आप शेयर कैपिटल देखो 2013 तक वो एक ही रहा, पर उसके बाद जब से ETR इन्वेस्ट किया है तो इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ था. तो दिस इज़ एन एवरेज साइन. पर इस कंपनी का जो नेगेटिव साइन था इट वॉज द रिजर्व ऑफ द कंपनी. तो कंपनी का रिजर्व अप टिल 2011 पॉजिटिव था, और उसके बाद से 2012 में ये नेगेटिव हो गया, और फिर 2013 में भी थोड़ा सा नेगेटिव इंक्रीज हुआ. पर 13 से 14 अगर आप देखो तो इस कंपनी का जो नेगेटिव रिजर्व है वो डबल होते गया इन द नेगेटिव साइड, विच वॉज अ ट्रिमेंडस ब्लंडर फॉर द कंपनी. एंड दिस आई फील लेड टू द ऑपरेशनल डैमेज एंड द डाउनफॉल ऑफ दिस स्टॉक. तो अगर आप देखोगे इस कंपनी का जो रिजर्व 2013 में नेगेटिव 1000 क्रोस से बढ़ के 7000 क्रोस तक बढ़ गया इन द फिनेंशियल ईयर 2017-18, और इस साल का रिजर्व अभी तक आया नहीं है. बट इफ़ यू सी द रिजर्व सो इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है. सो दिस वॉज अ बिग ब्लंडर फॉर द कंपनी. उसके बाद इस कंपनी का अगर आप बोरोइंग्स देखो तो इस कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो एक टाइम में बहुत बढ़ गया था, उसके बाद जब से ये कंपनी इतिहाद के साथ इन्वेस्टमेंट किया है या टाइप किया है इस कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो रिड्यूस हुआ है. पर इस कंपनी का जो रिजर्व्स है वो ही प्राइमरी कॉज है कि अगर आपके पास रिजर्व्स ही नहीं है, मतलब अगर आपके पास एसेट्स नहीं है, देन ड्यूरिंग द हार्श पीरियड्स ऑफ ऑपरेशन आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. एंड दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कंपनी फेलिंग बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिजर्व्स. और अब अगर हम जेट एयरवेज का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि इस कंपनी का जो सेल्स है वो ऑल दो कंसिस्टेंटली इंक्रीज करते गया ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जो 24,000 तक चला गया इन द TTM बेसिस. पर इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो TTM बेसिस में लॉस में चला गया ऑफ 3,085 क्रोर्स. तो दिस इज अ बिग साइन कि इस कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इट इज़ नॉट वर्किंग इन प्ले. आप अगर 2014 में देखोगे तो ये 2013 के कंपैरिजन 3 times गिर गया, विच इज़ अ नेगेटिव साइन कि इस कंपनी में कुछ नेगेटिव हो रहा है. उसके बाद मार्च में भी ये थोड़ा नेगेटिव था, पर 16-17 में थोड़ा सा रिकवरी लाया था अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में. इट्स मेनली ड्यू टू जो क्रूड का प्राइसेस है वो इस पीरियड में बहुत ही कम हुआ करता था, उसलिए कंपनी फिर से मैनेज किया. पर फिर से जब से प्राइस ऑफ ऑयल या क्रूड ऑयल बढ़ने लगा दिस कंपनी सफर. तो इस कंपनी का जो ऑपरेशंस है वहाँ पे ही कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए कंपनी इतने टर्मोइल में आ गया ऑल ऑफ अ सडन. इस कंपनी के अगर आप नेट प्रॉफिट्स भी देखो तो वो बीच में 3,600 क्रोर्स नेगेटिव हो गया था इन 2014. वहाँ से रिकवरी करने के बाद ये फिर से TTM बेसिस में 4,244 क्रोर्स का एक लॉस दिखा रहा है. तो अगर आप ये सारे फैक्टर्स को एक साथ कंबाइन करोगे दिस कैन बी अ बिग लेसन फॉर यू कि क्यों हमें ऐसे कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. हाँ ज़रूर, अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है यू कुड हैव इजीली इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी 2016 में जब ये कंपनी फिर से रिकवर करने लगा था. बट इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू शुड ऑलवेज अवॉइड कंपनीज जहाँ पे रिजर्व्स आपको घटते हुए दिख रहा है, या इस कंपनी का या कोई भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स है वो बहुत ही अनकंडीशनल है या बहुत ही वेरिएबल्स है उसमें. तो ये सारे फैक्टर्स को आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन अवॉइड सच पुअर इन्वेस्टमेंट्स. ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स है वो जल्द से जल्द मिल जाए. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस के ट्यूटोरियल वीडियोस मिलेंगे जिसे अगर आप देखोगे तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आ जाएगा. तो वो वीडियोस को ज़रूर देखिए और
डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस के बुक्स भी मिलेंगे, जिसे अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़िए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जितना गैदर करना चाहो करोगे उतना आपके लिए वो अच्छा होगा इन द लॉन्ग टर्म।